बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। मैं हूँ मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये कुलभूषण जाधव के हवाले से है कि किस तरह ये एक दहशतगर्द पाकिस्तान ने पकड़ा। ये दुनिया की एक वाहिद मिसाल है कि किसी मुल्क ने किसी दूसरे दुश्मन मुल्क का एक जासूस उसको ज़िंदा पकड़ा हो और वो हाजिर सर्विस हो। ये दुनिया की वाहिद मिसाल है। इसीलिए भारत की दुम पर पाँव है और भारत चीख रहा है। पूरी दुनिया में कुलभूषण जाधव के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दुनिया को मिसलीड कर रहे हैं। तो उसी के हवाले से आज आपको बताएंगे कि आखिर ये मामला है क्या, कुलभूषण के पीछे कौन है, कुलभूषण को कौन बचा रहा है, पाकिस्तान में कौन ऐसा शख्स है जो कुलभूषण को बचा रहा है और भारत का वो आलाकार बना हुआ है। बेसिकली कुलभूषण एक नेवल ऑफिसर था और ये हाजिर सर्विस था। ये ईरान की चाबहार पोर्ट जो पाकिस्तान के साथ लगती है उधर बैठकर ये नेटवर्क चलाता था पाकिस्तान में। पाकिस्तान खासकर बलूचिस्तान, सिंध यानी कि कराची, उसमें इसका टारगेट था इनको अलहदा करना, इसमें दहशतगर्दी करना। बम धमाके जितने भी होते थे उसके पीछे कुलभूषण होता था। कुलभूषण का बहुत बड़ा एक नेटवर्क था और ये हमारी आईएसआई, हमारी मिलिट्री ने इसको गिरफ्तार किया। अब चूंकि इसको गिरफ्तार कर लिया है, इसने तमाम एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बताया कि इसका क्या, इसको पैसे कौन भेजता था, कहाँ से आते थे और ये हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर है और ये इसके मकासद क्या क्या थे। बेसिकली इसका मेन टारगेट ग्वादर पोर्ट था, यानी कि उसको डिस्टेबलाइज करना, उसमें दहशतगर्दी करना। और तो क्या होता है कि कुलभूषण को हमारी मिलिट्री कोर्ट्स, जो कि हमारे मुल्क का हक है कि हमारे मुल्क में वो बंदा दहशतगर्द था और दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया, उसको सजाए मौत देना हर मुल्क का राइट है, हर मुल्क का कानून है, उसको वो उसको हक दिया गया है। अब क्या होता है कि भारत नवाज शरीफ के ज़रिए नवाज शरीफ को कहता है कि तुम एक बार ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाओ, उसके बाद ये काम हम पे छोड़ दो, हम उधर से कुलभूषण को ज़िंदा छुड़वा लेंगे। आपको पता ही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेसिकली ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इनजस्टिस है, आईसीजी कहलाती है। आप अक्वाम मुत्तहदा का हाल देख लें कि इतने सिविलाइज कंट्रीज़ का एक इदारा है और कश्मीर और फ़लस्तीन में पिछले 70-72 सालों से उधर जुल्म हो रहा है और अक्वाम मुत्तहदा खामोश तमाशा ही बना हुआ है। इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी भारत के वकील बैठे हैं, भारत के लोग बैठे हैं, वो पैसा देता है भारत और हर चीज़ खरीद लेता है। इसके अलावा जो इवल पावर्स हैं, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, इसराइल, वो भी भारत के साथ हैं और ख़ासकर उनका पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी है, पाकिस्तान को अपोज करते हैं। अब क्या होता है, केस चला जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, भारत बहुत खुश होता है। भारत का मीडिया चीखता चिल्लाता है कि हमारा सुरेश सालवे एक वकील है, बैरिस्टर है, जो बहुत बड़ा वकील है और वो पाकिस्तानी वकील को बिछाड़ के रख देगा। अब क्या होता है कि वो एक रुपया फीस लेता है, पूरा भारत उस पर बहुत उसको शाबाश देता है, अप्रिशिएट करता है। क्या होता है कि जब केस चलता है तो भारत के पास कोई सबूत नहीं होता। आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी भड़के मारने वाला सबूत भारत, उसके पास कोई सबूत नहीं होता और उसका वकील सुरेश सालवे जो एक रुपया लेता है और एक हीरो की शक्ल में पूरे भारत पर छा जाता है और उसके पास सिर्फ एक दलील होती है, एक सबूत होता है, वो क्या होता है? वो सबूत होता है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की वो स्टेटमेंट कि नवाज शरीफ ने बयान दिया था कि जी हाँ, ये जो मुंबई अटैक हुए हैं इसमें जो दहशतगर्द हैं उनके घर पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से ही गए थे। वो कहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से जाते हैं, जो कि इररेलीवेंट स्टेटमेंट होती है। तो पाकिस्तान ने भी कहा कि इंसानी हकूक की बुनियाद पर हम इसको फांसी नहीं देते, अभी इस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको बोलने का पूरा हक देते हैं। पाकिस्तान ने कौंसलर एक्सेस दी भारत को, लेकिन भारत वो कौंसलर एक्सेस नहीं चाहता था। भारत चाहता था कि कौंसलर एक्सेस का बहाना बनाकर कि पाकिस्तान हमें कौंसलर एक्सेस नहीं दे रहा और दोबारा आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ये मुकदमा ले जाए और अपना रोना पीटना उधर शो करे कि देखिए पाकिस्तान हमें ह्यूमन राइट्स का उसको हकूक नहीं दे रहा। अभी देखिए कुलभूषण के बारे में एक बिल पास हो गया हमारी पार्लियामेंट में कि कुलभूषण कोर्ट्स में अपील कर सकता है अपने केस के खिलाफ।
ये पाकिस्तान की मेहरबानी है कि पाकिस्तान के लोगों ने उसको हक दिया। अब देखिए क्या है कि जो नून लीग और नवाज शरीफ के जो तमाम लोग हैं, वो जब इमरान खान ने अभिनंदन जिसको 27 फरवरी को पकड़ा था, उसका जहाज तबाह किया था और उसको पकड़ कर गिरफ्तार किया था, उसको चाय पिलाई थी, तो उसको फिर जब भारत के हवाले किया, तो भारत तो नवाज शरीफ जो के भारत का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान में, उसने ये एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया उसके लोगों ने कि देखिए ये यहूदी एजेंट है इमरान खान, और इमरान खान ने अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया, ये भारत नवाज है, यानी कि भारत के साथ मिला हुआ है। बेसिकली इन लोगों को ये नहीं पता ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है, कि अगर वो इधर ही रहता अभिनंदन, इधर ही मर जाता तो वो क्या होना था, वो शहीद हो जाना था भारत की नज़र में, भारत के लोगों की नज़र में शहीद हो जाना था। तो पाकिस्तान ने अभिनंदन को जो चाय पिला कर भारत पर फिफ्थ जनरेशन का हमला किया, भारत की सात नस्लें इसको याद रखेंगी कि कैसे उनका एक हाजिर सर्विस पायलट को पकड़ कर उसको जलील किया गया, उसको चाय पिलाई गई और उसको भारत के हवाले किया गया जिंदा। भारत और उसके लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा पायलट वापस आ गया है तो वो खुशियां मना रहे हैं। बेसिकली भारत को ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये उनकी इंसल्ट है कि पाकिस्तान ने एक सदका खैरात समझकर अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया। भारत के लोगों को समझ नहीं आई, अभी वक्त गुजरने के साथ साथ उनको समझ आएगी कि पाकिस्तान ने भारत के मुंह पर कितना बड़ा थप्पड़ मारा है। पूरी दुनिया भारत पर हंस रही है कि भारत का एक हाजिर सर्विस पायलट पाकिस्तान ने पकड़कर उसको जलीलो रुस्वा करके भारत के हवाले कर दिया। अब देखिए सेम यही केस है कि अगर पाकिस्तान कुलभूषण को कोर्ट का एक्सेस ना देता तो भारत अपने जो अहलकार हैं, उसके जो जासूस हैं इधर, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके जरिए दोबारा ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाता। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, बैतुल मुकद्दस का मामला, कश्मीर का मामला, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, इसराइल, ये सब भारत के साथ मिले, ये इवल पावर्स हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम अपनी अदालत में ही इनको करेंगे, इनको इसको ट्रायल करेंगे, अदालत में इसको मौका देते हैं कि ये उधर जाके अपना मौकफ पेश करे और सफाई देने की कोशिश करे, हमारी अदालतें यकीनन इंसाफ करेंगी, और यकीनन इंसाफ करती हैं। नाजिन आखिर पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देंगे कि ये तीन जो इवल पावर्स हैं, इनका नेक्सिस है अमरीका, भारत और इसराइल, ये दुनिया की नहायत बुजदिल फौजें। अमरीका को देखिए, दुनिया की सुपर पावर होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद अफगानिस्तान में 70 तालिबान से मार खा गया, शिकस्त खा गया उधर। भारत को देख लीजिएगा, 10 लाख फौज, कश्मीरी 90 लोगों पर उसने फौज रखकर अपने फौजी अब समझते हैं कि वो बहुत बहादुर हैं। उसके अलावा उनको 70 साल से 72 साल से उनको फतह नहीं हो रही, इसका मतलब उनको शिकस्त हो रही है। इसी तरह इसराइल फलस्तीन का मामला है कि इसराइल के कॉवर्ड बुजदिल फौजियों को शिकस्त हो रही। तो आपको बताने का मकसद ये है, भारत, अमेरिका और इसराइल ये हमेशा फिक्स्ड मैच खेलते हैं, चाहे क्रिकेट का मैच हो, पाकिस्तान से देख लीजिए, भारत हमेशा फिक्स्ड मैच खेलता था, हमारे हुक्मरानों को साथ मिलाकर हमारे खिलाड़ियों को प्रेशराइज किया जाता था और वो खिलाड़ी नहीं खिलाए जाते थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, चाहे जंग हो वो भी फिक्स खेलता था, 65 की ऑन मेरिट खेलने की कोशिश की तो उसको मुंह की खानी पड़ी, 71 की वार भुट्टो जैसे लोगों को साथ मिलाकर फिक्स जंग खेली इसने, फिक्स वॉर खेली। 27 फरवरी की जंग को आप देख लें, ऑन मेरिट भारत ने हमला किया, उसने समझा कि शायद इधर नवाज शरीफ बैठा हुआ है तो हम लोग जो है पाकिस्तान को यूं फतह कर लेंगे, लेकिन भारत को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि वो फिक्स मैच नहीं था। आखिर पर मैं भारत को, भारत के लोगों को, मासूम लोगों को, कि जो मोदी के हत्थे चढ़े हुए हैं, एक जाहिल और एक अनपढ़ और एक एक्सट्रीमिस्ट प्राइम मिनिस्टर के हत्थे चढ़े हुए हैं, और इनके मीडिया जो झूठ बोलता है, अपने आवाम को गुमराह करता है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपका लेवल अभी पाकिस्तान से जंग करने का नहीं है, आपके फौजी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, उनको ट्रेन करें फॉर गॉड सेक। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ज़्यादा असलाह इकट्ठा करने से जंगें नहीं जीती जाती, अमरीका की मिसाल देख लें। तो आपको ये बताना है कि अब वो हुक्मरान नहीं है जिनके जरिए आप फिक्स मैच खेल के अपने लोगों को ले जाते थे, कुलभूषण नहीं मिलेगा आपको इंशाल्लाह। इसके लिए हम पूरा पाकिस्तान, इसके लिए हम लोग फिफ्थ जनरेशन वॉर के लिए भी तैयार है, हाइब्रिड वॉर के लिए भी तैयार हैं, और कन्वेंशनल वॉर के लिए भी तैयार हैं। आप बेफिक्र रहिए, कुलभूषण को भूल जाए, ये आपका
एक ऐसा सबूत है जो पाकिस्तान के हत्थे चढ़ा हुआ है, और 2016 से लेकर अब तक आप समझ लीजिए कि 5 साल होने वाले हैं कि भारत की मुसलसल रुसवाई हो रही है, भारत की रुसवाई हो रही है, भारत मूछ पाते फिर रहा है। तो ये इंशाल्लाह ता क़यामत भारत रुसवा होता रहेगा और जलील होता रहेगा और उनको कुलभूषण नहीं मिलेगा। नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।